65 में, और उसके बाद चाइना की वॉर से हम लोग में प्रॉब्लम हुई थी, तब गेहूँ की कमी थी, हमारे पास अनाज नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक खाना दिन में ना खाइए, दिन में एक बार खाना खाइए। तब जय जवान जय किसान मूवमेंट शुरू हुआ था। और पता नहीं आप लोग DST गए हैं डिपार्टमेंट मैरोली रोड में, वहाँ पे एक हॉल जे है, हॉल जे में वहाँ पे अभी भी हॉल जे है जहाँ पे कुछ ऑफिस बना दिए गए हैं, वहाँ पे लाल गेहूँ आता था अमेरिका से, PF-480 के प्रोग्राम से, कोलंबो प्लान से लाल रंग का गेहूँ आया था जो ऑस्ट्रेलिया ने और अमेरिका ने हम लोग को दिया था, और वो गेहूँ से रोटी खत्म नहीं बनती मगर हम लोग को उसकी भी जरूरत पड़ी। और अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वाइट रेवोल्यूशन हुआ, हम लोग गेहूँ में, चावल में, सब में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। वी आर लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, वी आर एक्सपोर्टिंग ग्रेन्स। अभी यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर हुई है, तो ग्रेन्स के लिए लोग इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि दुनिया का खाना हम लोग दे पा रहे हैं। एक ज़माना था जब हम लोग खाना नहीं, हम लोग इस 75 वर्ष में IT, मोबाइल, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, अमूल का मिल्क रेवोल्यूशन 1970 से शुरू हुआ, और अब गर्मियों के मौसम में पहले पनीर दूध कुछ नहीं मिलता था, और अब देखिए हम लोग के यहाँ वाइट रेवोल्यूशन हो गया। फिर हम लोगों ने देखा कि स्पेस न्यूक्लियर, 104 सैटेलाइट एक बार में छोड़ती हमारे देश में, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में हम लोग पोखरण 1, पोखरण 2, इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर पावर, और उसके बाद